हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। राजधानी जयपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा महासचिव व प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी व सांसद अनिल बलूनी, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनावाला एवं प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ उपस्थित रहे। इस मौके पर सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान की जनता ने मन बनाया है कि 2023 में प्रदेश में कमल खिलाना है। जनता ने यह भी मन बनाया है कि जिस सरकार ने जनता के साथ छलावा किया, जो नारी शक्ति की रक्षा नहीं कर पाई, युवाओं के साथ धोखा किया, किसानों के साथ वादा खिलाफी की, उसे हटाना है। उन्होंने कहा कि पीएम के प्रति लोगों का विश्वास है, लेकिन कांग्रेस के नेता ने उनके खिलाफ झूठा बयान दिया है। जनता इनका असली चेहरा देख चुकी है। राजस्थान की जनता का विश्वास मोदी के प्रति है। आपको बता दें कि पार्टी के मीडिया से संबंधित सभी तरह के काम इसी जगह पर होंगे। सभी प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की प्रेस वार्ता भी यही होगी। साथ ही प्रदेश भर में मीडिया सेंटर से जुड़े लोगों को क्या काम करना है, किस तरह प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाना है, इसे लेकर भी फैसले इसी जगह लिए जाएंगे। जल्द ही संभाग और जिला स्तर पर भी इस तरह के सेंटर खोले जाएंगे। सभी को नमस्कार। मीडिया सेंटर के इस शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी, आप सभी को नमस्कार। मीडिया सेंटर अरुण सिंह जी, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे मीडिया का काम देख रहे और राजस्थान की धरा पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय अनिल बलूनी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, शहजाद पुनावाला जी और हमारे बीच में उपस्थित प्रमोद जी, पंकज जी, सभी वरिष्ठ जन पत्रकार मित्रों, इससे सबसे पहले तो मैं नवरात्रा के पावन पर्व पर अपनी ओर से आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामना देता हूं कि 9 दिन देवी की पूजा और उपासना पूरा देश भर मना रहा है और आज मीडिया सेंटर का शुभारंभ भी हुआ है, उसमें आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और राजस्थान की जनता, चूँकि ये मीडिया सेंटर आज प्रदेश में शुरू हुआ है, फिर डिवीज़न लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इसका शुभारंभ होगा, आप सब लोगों का हमेशा से सहयोग मिला है, आगे भी आपका सहयोग अपेक्षित है। राजस्थान की जनता ने मन बनाया है कि 2023 में राजस्थान में कमल खिलाना है और राजस्थान की जनता ने यह भी मन बनाया है कि जिस सरकार ने 4.5 वर्षों में राजस्थान की जनता के साथ छलावा किया, जो नारी शक्ति की रक्षा नहीं कर पाई, जो सरकार युवाओं के साथ धोखा दिया, जिन्होंने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, और अभी भी आप और हम सब लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री जी जैसे उच्च पद पर जिनके प्रति देश के करोड़ों लोगों का विश्वास है, कैसे एक सभा में कांग्रेस की नेता ने किस प्रकार के झूठे बयान, अब भी झूठ से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनता इनका असली चेहरा देख चुकी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति है कि मोदी जी ने जो कहा वो किया, जो असंभव था वो भी संभव करके दिखाया। इसलिए चाहे गांव हो, गरीब हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, हर वर्ग की जिनके प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, वो नाम है नरेंद्र मोदी जी। इसलिए आप सब लोग इस शुभारंभ के अवसर पर आए, मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।